नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर पीडिया में। दोस्तों, भूत प्रेतों के बारे में यह कहा जाता है कि यह सुनसान जगहों पर रहते हैं, लेकिन इस घटना को पढ़कर आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि यह भूत सुनसान जगह पर नहीं बल्कि एक चौल के आसपास भटकता है, जहां दिन रात लोगों की चहल पहल बनी रहती है। आइए दोस्तों, जानते हैं मुंबई के इस भूतहा चौल के बारे में। यह चौल है माया नगरी मुंबई के माहिम के केनोसा प्राइमरी स्कूल के पास स्थित रिसुजा चौल। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक औरत की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर इसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है। कहते हैं रात के समय जब भी कोई इस कुएं के आसपास से गुजरता है तो उसे भूतनी दिख जाती है, लेकिन यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। चौल मालिक रिचर्ड हर दिन कुएं के पास फल और फूल चढ़ाते हैं ताकि आत्मा शांत रहे। मुंबई भारत में एक शहर है जहाँ कई लोग अपने व्यवसाय के लिए रोजाना आते हैं। कई नए लोग मुंबई में आते हैं और साथ ही इस चौल में भी। वे देखते हैं कि सफेद साड़ी में भूत वाली महिला के अलावा रात के समय अंजीर के वृक्ष के पास बारहमासी का आदमी है, जो गार्ड की वेशभूषा में प्रेतवादित कुएं की देखभाल करते हैं। स्थानीय लोग भी इस घटना का समर्थन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।